अब आता है हमारा टॉपिक नंबर आर है, वो जो है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके बाद जो है इसके कुछ अमेंडमेंट्स और उसके कुछ इम्पॉर्टेंट केसेस वो डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो है हमने जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो था पाकिस्तान का जो अडॉप्ट किया गया वो है था 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन, जो बहुत सारे सालों के बाद जाके कॉन्स्टिट्यूशन बना, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे आ रहे थे पाकिस्तान को, क्योंकि एक न्यूली स्टेट था तो इंडिया ने तो जल्दी बना लिया था लेकिन पाकिस्तान को थोड़ा सा लेट हो गया। फिर सेकंड नंबर पे जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया वो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसकी कुछ जो आउटलाइंस हैं वो पॉलिटिकल और लीगल सिस्टम के बारे में बात करती हैं, और इसके जो कुछ इम्पॉर्टेंट केसेस हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन के वो हम थोड़े से चेक कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में से जो केसेस नहीं मतलब कि अमेंडमेंट्स अभी देख लेते हैं, फिर आप केसेस पे आएंगे। अमेंडमेंट्स में जो फर्स्ट अमेंडमेंट की गई, एट्थ अमेंडमेंट जो है वो ईयर्स के हिसाब से जो जो चीज़ें मतलब कि जो जो सिस्टम बनाया गया वो प्रेसिडेंट उनके हिसाब से चेंजिंग होती गई। एट्थ अमेंडमेंट फर्स्ट अमेंडमेंट थी जिसमें जो था एबिलिटी टू डिसॉल्व द नेशनल असेंबली, प्रेसिडेंट को ये जो है पावर थी कि वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है और इसके अलावा कुछ अपॉइंटमेंट्स कर सकता है गवर्नमेंट की पोजीशंस में। सेकंड नंबर पे 17th अमेंडमेंट जो थी वो इंट्रोड्यूस प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ की तरफ से दी गई थी, और जो था द प्रेसिडेंट द पावर टू डिसमिस द प्राइम मिनिस्टर एंड डिसॉल्व द नेशनल असेंबली, कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता था कि मतलब कि इस अमेंडमेंट के हिसाब से प्रेसिडेंट के पास ये पावर था कि वो नेशनल असेंबली को भी डिसॉल्व कर सकती है और जो उसका प्राइम मिनिस्टर है उसको भी डिसॉल्व कर सकती है, मतलब कि उसको अपना राइट उसको था ये। फिर है 18th अमेंडमेंट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है। दिस अमेंडमेंट रिजर्व वे मैनी ऑफ द चेंजेस मेड बाय प्रीवियस अमेंडमेंट इंक्लूडिंग प्रीवियस जो भी अमेंडमेंट थी इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुकी थी 18th अमेंडमेंट में। उसमें क्या था, रिड्यूसिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड स्ट्रेंथनिंग द रूल ऑफ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट का जो रूल था वो स्ट्रेंथन कर सकता है और इसके अलावा जो पावर्स थे वो प्रेसिडेंट से जो है वो बिल्कुल ही रिड्यूस हो गए, कि प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर जो है वो नहीं रही जो पिछले वाले अमेंडमेंट्स में थी। फिर है जो केसेस इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हुए, जिसमें सबसे पहला जो केस है वो है मौलवी ताजिमुद्दीन खान का फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ। ठीक, इस केस में क्या था, दिस केस चैलेंज द डिसॉल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बाय गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद एंड एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन पाकिस्तान। ये केस जो था वो डिसॉल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली था जो गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद की तरफ से था, और जो है वो इस्टेब्लिशमेंट करनी थी नए प्रिंसिपल की जुडिशियल में। फिर है बेगम नुसरत भुट्टो का केस था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल केस जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ था। दिस केस चैलेंज दी मार्शल लॉ इम्पोज बाय जनरल जियाल हक एंड अफर्म द सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट ओवर द मिलिट्री। ये ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की नहीं, सिंपली केसेस हैं। तो ज़फ़र अली शाह का केस था 3rd नंबर पे, जो परवेज़ मुशर्रफ के वेस था। दिस केस चैलेंज दी लीगलिटी ऑफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ कॉप्स एंड अफर्म द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इन पाकिस्तान। फिर आता है एट द लास्ट जो अभी बहुत ज़्यादा पानामा वाला केस, पानामा पेपर्स केस का। दिस केस इन्वॉल्व एलिगेशंस ऑफ द करप्शन अगेंस्ट then Prime Minister Nawaz Sharif and his family and resulted in his disqualifying from holding public office. तो यहीं तक जो थे वो कुछ केसेस थे जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस कहे जाते हैं, जो इसके मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से केसेस किए गए थे।